इन दिनों शरदकालीन गन्ने की बुआई भी हो रही है, ऐसे में खरपतवार नियंत्रण भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खरपतवार की वजह से गन्ने की फसल को भारी नुकसान होता है, जिससे पैदावार में भी गिरावट आती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को समय समय पर खरपतवार नियंत्रण के लिए काम करना चाहिए, जिससे उनकी फसल की बढ़वार अच्छे से हो सके। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि गन्ने में चौड़ी पत्ती और शकरी पत्ती के करीब 45 तरीके के खरपतवार पाए जाते हैं। जिन खेतों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई की जाती है, वहां बीच में काफी जगह होने की वजह से खरपतवार ज्यादा बढ़वार करते हैं। गन्ने की फसल में अगर समय से खरपतवार नियंत्रण ना किया जाए तो गन्ने की उपज में 10% से लेकर 30% तक गिरावट आ जाती है, क्योंकि खरपतवार गन्ने की फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। ऐसे में खरपतवार का नियंत्रण बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि गन्ने की बुआई के शुरुआती 3 महीनों में खरपतवार नियंत्रण बेहद जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली विधि, जिसमें रासायनिक तरीके से खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव कर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी विधि यांत्रिक विधि है, जिसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। निराई गुड़ाई करने से मृदा में वायु का संचार होता है, जिससे गन्ने की जड़ों का समुचित विकास होता है। जब जड़ें पूरी तरीके से विकसित होंगी तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों, किसानों द्वारा दिए गए उर्वरक और सिंचाई के जल को पौधे अच्छे से ग्रहण करेंगे, जिससे बढ़वार अच्छी होगी तो किसानों को उपज भी अच्छी ही मिलेगी, साथ ही फसल में उगे हुए खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि अगर किसी विशेष परिस्थितियों में रासायनिक विधि का इस्तेमाल करना पड़े तो चौड़ी पत्ती और शकरी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक साथ 500 ग्राम मेट्रीब्यूजिन 70% और 2,4,58% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1,000 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें। ऐसे में सावधानी रखें कि दवा का छिड़काव गन्ने की 2 लाइनों के बीच की जगह पर खरपतवारों पर ही करें। कोशिश करें कि गन्ने के पौधों पर दवा ना गिरे। गन्ने के पौधों पर दवा का छिड़काव होने से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। गन्ने में लगभग 40 से 45 तरह के खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले हैं, जो हमारे गन्ने की फसल की उपज को प्रभावित करते हैं। और अगर देखा जाए तो खरपतवार की वजह से लगभग 10% से लेकर 30% तक हमारी उपज प्रभावित होती है, क्योंकि ये खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विशेष रूप से शुरुआती दौर पर, शुरुआती जो 3 महीने होते हैं, उनमें खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो उपज है वो प्रभावित होती है। अब बात आती है कि खरपतवारों का प्रबंधन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसान भाई सीधे रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि जो खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि है उसको आप सबसे पहले अपनाएं। यांत्रिक विधि में है कि हम यंत्रों द्वारा निराई गुड़ाई करते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण होते हैं। जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो उससे हमारे खरपतवार तो नियंत्रित होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो हम गुड़ाई करते हैं तो गन्ने में निराई गुड़ाई के बाद जो वायु का संचार होता है, मृदा में जो वायु का संचार होता है, उससे हमारे गन्ने की जो जड़ें हैं उनका विकास समुचित रूप से होता है। और जब गन्ने की जड़ों का विकास समुचित रूप से होगा तो गन्ने की जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं और जो हम खाद एवं उर्वरक देते हैं या जो सिंचाई जल देते हैं, उनका अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जड़ों द्वारा होता है, और जिसका प्रभाव पड़ता है कि हमारी गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है। तो यांत्रिक नियंत्रण जो है, यांत्रिक विधि जो है हमारी खरपतवार नियंत्रण की, उसको किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में हमें रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे श्रमिकों का अभाव हो या किसी कारण से हम नहीं निराई गुड़ाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे में 2 तरह के जो गन्ने में खरपतवार लगते हैं, एक तो सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, तो इन दोनों तरह के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हम एक साथ प्रयोग करते हैं रासायनिक खरपतवार नाशी का, जिसके लिए मेट्रीब्यूजिन 70% 500 ग्राम और 2,4-D 58% की 2.5 लीटर, इसको 1,000 लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने की 2 लाइनों के बीच में हम अगर स्प्रे कर देते हैं तो इससे हमारा जो खरपतवार है, ये दोनों तरह के खरपतवार, चाहे सकरी पत्ती के हों चाहे चौड़ी पत्ती के हों, दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही समुचित रूप से हो जाता है।